बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये फंक्शन इंट्रोडक्शन के ऊपर है। 13वां चैप्टर है और ICS सेकेंड ईयर जो है इंटरमीडिएट लेवल पर हम जो है वो सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके हवाले से एक पूरी सीरीज़ है जो कि पहले चैप्टर से ऑनवर्ड 14 चैप्टर तक की कंप्लीट सीरीज़ जो है वो हमने अपडेट की है। तो डेटाबेस के भी लेक्चर्स हैं, उसको भी आप देखें और उसमें भी आपके कॉन्सेप्ट यानी किसी तरह का भी अब आपको वो जो एकेडमी वाला कॉन्सेप्ट था कि जी वो अब जाना आना टाइम बहुत सा बच सकता है अगर आप उसको ध्यान से थोड़ा सा देख लें। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले फंक्शंस के इस चैप्टर को तो पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इटसेल्फ फंक्शन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसका बेनिफिट क्या होता है। ये तीन ओवरऑल पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए हम शुरू करते हैं। फंक्शन, आ फंक्शन इज अ कोड। एक वर्ड आपको मिला कि फंक्शन इज अ कोड। कोड क्या होता है, जैसे हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर हम कोडिंग ही कर रहे होते हैं। तो ये भी एक तरह का एक कोड है विच टेक्स वन आर मोर पैरामीटर्स। ये कुछ पैरामीटर्स लेता है, एक या एक से ज्यादा पैरामीटर्स ये लेगा। फिर उन्हें लेने के बाद क्या करेगा, उनको इवेलुएट करेगा। और इवेलुएट करने के बाद क्या करेगा, एंड रिटर्न अ वैल्यू। फिर उनकी जो वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। इसमें अगर देखा जाए तो फंक्शन इटसेल्फ, अगर पूछे भी फंक्शन क्या है, तो फंक्शन की पीस ऑफ कोड है। क्या करता है जी, तीन काम करता है, इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। जैसे कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन अगर आप देखें तो करते थे कि इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। तो ये फंक्शन बिल्कुल वही काम कर रहा है, ये पूरा सिस्टम है। जैसे आप अभी सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और फिर आप आउटपुट भी दे सकते हैं। जैसे आपने अच्छी लगी तो कमेंट्स में लिख दिया, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर लिया, बुरी लगी तो आपने कमेंट में कुछ लिख दिया, बुरी लगी तो डिसलाइक करके चले गए या व्हाट सो एवर, या किया ना किया। मीन्स कि आप जैसे मेरी बात को सुन रहे हो, आप उसको प्रोसेस कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट भी आएगा। फंक्शन बिल्कुल वही काम करता है कि ही एक कंप्यूटर के अंदर एक पीस ऑफ कोड लिखा जाता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर। और फंक्शन ऑलमोस्ट बेस है हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फंक्शन के बगैर आपका प्रोग्रामिंग कंप्लीट नहीं होती है। यानी कुछ तो बेसिक्स है ना, यानी आपके सिलेक्शन स्ट्रक्चर हो गए जिसमें इफ एल्स वगैरह और ये स्विच स्टेटमेंट वगैरह, और लूप हो गया आपके पास, फॉर वाइल डू वाइल वगैरह, नेस्टेड लूप हो गया। ये तो बिल्कुल बेसिक्स है जो कि आगे बहुत ज्यादा यूज होती है इनका। फंक्शन जो है ना, ये बिल्कुल एक रूट का काम करता है। और ये आपके प्रोग्रामिंग में फंक्शन जो है वे एक कोर फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं। तो विदाउट फंक्शन प्रोग्रामिंग जो है आप समझ लें कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। फंक्शन की वजह से ये है कि वो आपका टाइम बचेगा, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स आते हैं। तो ओवरऑल फंक्शन क्या है, इट्स अ कोड विच टेक्स द पैरामीटर, इवेलुएट देम दोज पैरामीटर्स एंड गिव द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब वो कैसे आउटपुट देता है, वो उसको फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। कुछ फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन होता है जो कि हम टाइप्स पे भी हम बात कर रहे हैं। फिर हम उसको डिफाइन करते हैं कि भाई ये जो अगर पैरामीटर लोगे तो इन पैरामीटर के साथ क्या करना है, मतलब इन पैरामीटर को प्लस करना है, इन पैरामीटर को माइनस करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है। अब सवाल यहाँ पर यह था कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। चलते हैं आगे। फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ असी प्रोग्राम। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स इनको क्यों कहते हैं, जैसे आप बिल्डिंग बनाए ना तो उसके अंदर ईंट होती है, तो वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ईंट मिल मिलकर एक पूरी बिल्डिंग बनाती है। अब ये नहीं है कि खाली ईंट ही बना रही है, उसके साथ और बहुत सारी चीजें होंगी जो मिलकर एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करती हैं। तो जब हम प्रोग्रामिंग में एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके बैक पे क्या है, फंक्शन से तो काम कर रहे हैं। फंक्शंस ही बैक पर होते हैं और वो फंक्शंस मिलते हैं तो वो फिर आगे कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। और वो मर्ज होते होते, यानी एक फंक्शन कोई एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, दूसरा कोई और कर रहा होगा, तीसरा और कर रहा होगा। अब 100 हैं तो 100 तरह की फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो रही है डिपेंडिंग ऑन सम सर्टन कंडीशन, कंडीशनल या अनकंडीशनली वो उसको कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनपुट भी ले रहे होंगे, प्रोसेस भी करेंगे, आउटपुट भी देंगे। और इस तरीके से आपका ये सॉफ्टवेयर इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप और मॉड्यूल्स की शक्ल में फिर ये मॉड्यूल्स मिलाते हैं, तो तभी फिर जाके आगे। यानी ये बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब कि ये एक छोटा सा चंक है, एक छोटा सा पार्ट है जिसने मिलना है तो आगे प्रोग्रामिंग के अंदर इसने इंक्रीज करना है उसकी प्रोडक्टिविटी को। इन अदर वर्ड्स यू मे से अ फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड रिटन फॉर स्पेसिफिक पर्पज। एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जिसे खास मकसद के लिए लिखा। अब ये खास मकसद क्या है, खास मकसद ये है कि या तो वो कोई ना कोई इवेल्युएशन कर रहा होगा किसी वैल्यू को, मैंने वैल्यू पैरामीटर्स लेगा और उनको इवेल्युएट करके कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर वो ये नहीं कर रहा तो वो जस्ट डिस्प्ले करने में किसी चीज़ को हेल्प कर रहा होगा। इन्हें अगर इवेल्युएशन नहीं करता तो कम अज़ कम
डिस्प्ले कर रहा होगा, तो डिस्प्ले करना या इवेल्युएट करना ये खास मकसद है। अब इवेल्युएट में बहुत कुछ आता है, जैसे बेसिक अगर आप समझे तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये भी इवेल्युएशंस में ही है। तो ये एक खास पर्पस के लिए एक पीस ऑफ कोड लिखा जाता है, वो खास पर्पस डिपेंड करता है कि आप इनफैक्ट करना क्या चाहते हो। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो कहते हैं ईच फंक्शन इज डिफाइंड, ईच फंक्शन इज कॉल्ड कॉल्ड बाय इट्स नेम। हर फंक्शन जो है उसको हम कॉल करते हैं, जैसे हम किसी को कॉल करते हैं उसके नाम से कॉल करते हैं, तो यहां फंक्शन को भी उसके नाम से ही कॉल किया जाएगा। ईच फंक्शन इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। अब ये जो नेम होगा इसके बारे में भी आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि एक फंक्शन का नाम हम क्या रख सकते हैं और कैसा होना चाहिए। फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, और उसके बाद क्या आएंगी, उसके फॉलोड बाय द पैरामीटर्स, उसके बाद आएंगे उसके पैरामीटर्स, उसके बाद उसकी पैरेंथेसिस होती हैं और पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स होते हैं। यानी क्या होगा, फंक्शन का नाम होगा, उसके बाद पैरेंथेसिस होगी, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स होंगे। फंक्शन का नाम, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, और उसके अंदर पैरामीटर्स होंगे। अब सवाल यहाँ पे आ रहा होगा पैरामीटर्स का, पैरेंथेसिस का तो पता होगा, स्मॉल ब्रैकेट्स जो है इनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, यानी ये वाली। तो अब इसमें पैरामीटर्स क्या है, इसको हम अब देखते हैं कि पैरामीटर्स क्या है। तो बात कर रहा है कि पैरामीटर्स आर आल्सो कॉल्ड आर्गुमेंट्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं। अब समय लगी, अब कहाँ समय लगी, अब आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, अब आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। एन आर्गुमेंट मे बी अ कॉन्स्टेंट, ये कोई एक नंबर हो सकता है, कॉन्स्टेंट नंबर हो सकता है कोई सा भी, या कोई ये वेरिएबल भी हो सकता है जिसको हम यूजर को कह रहे हैं कि इसकी कोई वैल्यू एंटर करो, तो उसकी जगह वो कोई वैल्यू आ सकती है, वो कैरेक्टर की शक्ल में हो सकती है, वो न्यूमेरिक की शक्ल में हो सकती है, या कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है जो कि कुछ इवेल्युएट कर रहा है, कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन वगैरह, ऐसा कुछ कुछ एक्सप्रेशन भी हो सकता है। एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। या वो कहता है एन अदर फंक्शन, या एक फंक्शन और एक फंक्शन हो सकता है, तो यानी एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन में फंक्शन, नेस्टिंग हम करते हैं ना लूप के अंदर, तो फंक्शन में फंक्शन आ गया। तो अब ये सारा कुछ जो है, ये जो फंक्शन के अंदर हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, या उसके बाद हम जो पैरेंथेसिस के अंदर उसको फंक्शन को यूज करें, या उसका हम कॉन्स्टेंट यूज करें, या कोई वैसे वेरिएबल लें जो कि न्यूमेरिक या हो सकता है, या करेक्टर हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आर्गुमेंट्स कहलाएंगे, और आर्गुमेंट्स क्या कहलाएंगे, पैरामीटर्स कहलाएंगे। और पैरामीटर्स जो है वो कहाँ लिखे जाते हैं, पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं, और वेरिए उसके जो फंक्शन है उसके नाम के बाद लिखे जाते हैं। तो अब आ जाइए जरा एक बार फिर से कि फंक्शन इज अ कोड विच टेक्स वन आर मोर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स अब जहन में आ रहा होगा क्या होता है, इवेलुएट देम एंड रिटर्न अ वैल्यू। उसको वो क्या करेगा, टेक करेगा, इवेलुएट करेगा और रिटर्न करेगा वैल्यू। फंक्शन आता बिल्डिंग ब्लॉक्स, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स और ये पीस ऑफ कोड है जिसको खास मकसद के लिए लिखा जाता है, और मकसद क्या है वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम की लॉजिक के ऊपर। यहाँ तक बात समय लगी होगी। उसके बाद है फंक्शन इज Also called सब प्रोग्राम आर मॉड्यूल। फंक्शन का दूसरा जो नाम है वो मॉड्यूल भी है, और इसको सब प्रोग्राम भी कहा जाता है, यानी प्रोग्राम के अंदर एक और पार्ट है। प्रोग्राम itself पीस ऑफ कोड है, तो उस पीस ऑफ कोड के अंदर एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड है, तो हम कहेंगे प्रोग्राम में एक प्रोग्राम है, तो हम इसको कहते हैं सब प्रोग्राम, तो इसको मॉड्यूल भी कहा जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ द फंक्शंस, वन इज कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन, अनदर वन इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक बिल्ट इन है और एक यूजर डिफाइंड है। अब आइए हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि जो बिल्ट इन फंक्शन है वो क्या होते हैं और जो यूजर डिफाइंड होते हैं वो क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, नाम से सोचें बिल्ट इन, जो बिल्ट का मतलब होता है बिल्डिंग है, बिल्ट बनाना, बिल्ट इन जो पहले से बने हुए हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो ऑलरेडी बने हुए हैं, वो है बिल्ट इन। और एक है यूजर डिफाइंड, जिनको प्रोग्रामर यूजर खुद से डिफाइन कर रहा है, खुद से बना रहा है, कस्टमाइज कर रहा है, अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहा है, ये है इसके अंदर। तो वो कहता है बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शंस दैट हैव बीन ऑलरेडी डिफाइंड एज पार्ट ऑफ द लैंग्वेज आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन। यानी जो लैंग्वेज का पार्ट है, ऑलरेडी पार्ट है उसका, कि वो लैंग्वेज के अंदर मौजूद है पहले से ही, उन्हें हमें डिफाइन नहीं करना, हमें उनको कोई उसकी प्रोटोटाइप नहीं देनी है, हमें उसके अंदर किसी तरह के पैरामीटर्स और कुछ ऐड नहीं करने, सिंपल फंक्शन को कॉल करना है और जो वो काम कर रहा है उससे काम ले लेना है, बस बनाना नहीं है, बना बनाया मिलेगा, आपने जस्ट उसको कॉल करके उससे काम ले लेना है, क्लियर है। तो ये है इसके अंदर, तो ये बिल्ट इन होते हैं। दीज फंक्शंस आर डिफाइंड इन द हेडर फाइल। इनकी अब ये डिफाइन हमने नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं तो डिफाइन हुए होंगे ना, हाँ ऑब्वियसली ये डिफाइंड हुए, इनकी भी प्रोटोटाइप होती है, इनका भी सारा कुछ वो होता है जो कि फंक्शन के कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन ये डेवलपर ने बना के सेव कर दिए, परमानेंट कर दिए, फिक्स कर दिए कि जी अब आप इनको जस्ट नाम से कॉल करें और इनसे आप जो काम लेना चाहते हैं वो लें। तो ये आपके
जो है इनको जो है वो रिडिफाइंड किया जा सकता है। एक बात ये जहन में रहे कि इसका ये नहीं कि इनको रिडिफाइंड नहीं किया, इनको रिडिफाइंड किया जा सकता है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि अगर आप इनको रिडिफाइंड कर दोगे तो उसका वो जो फंक्शनलिटी है वो फिर चेंज हो जाएगी। तो अब इसमें देखिए कि यहाँ वो बात करता है कि टू यूज दीज फंक्शंस वी नीड टू इंक्लूड द स्पेसिफिक हेडर फाइल्स। अगर आप इनको यूज करना चाहते हैं तो उनकी हेडर फाइल को इंक्लूड करो। भाई इतना सी बात है, आपने उनकी हेडर फाइल को इंक्लूड करना है जिसके अंदर उनके डेफिनेशन वगैरह या जो भी पार्ट उसके अंदर है, वो हेडर फाइल आप टॉप पे लिख दोगे और बाद में उस फंक्शन को कॉल करें बाय नेम, उसको जो पैरामीटर्स वो मांगता है यानी उसका जो सिंटैक्स है उसके मुताबिक उसको वैल्यू दें और आप उससे जो रिजल्ट लेना चाहते हैं वो ले लें। फॉर एग्जाम्पल गेट सी एच हो गया, प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, गेट एस हो गया, पॉ हो गया, पॉ पावर से है, पावर की शॉर्ट फॉर्म, पावर अगर किसी वैल्यू की पावर लेनी हो जैसे 2 raised to power 3 है तो इसका आंसर जो है वो 2 2 4 4 8 तो 8 आ जाएगा इसका आंसर। तो मैं पॉ फंक्शन है या कॉस, इसी तरीके से साइन फंक्शन, ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इसी तरीके से लॉग फंक्शन है, SQRT फंक्शन है जिसकी मैथ डॉट एच हेडर फाइल होती है। तो इनकी कुछ की डेफिनेशन मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर होती है, कुछ की STDIO.h के अंदर है जैसे प्रिंट एफ स्कैन एफ हो गया, कुछ की ऐसी होती है जिसकी कॉनियो में होती है जैसे कि आपकी क्लियर स्क्रीन हो गई, जैसे कि आपके पास गेट सी एच हो गया, गेट सी एच ई हो गया, इनकी डेफिनेशन जो होती है वो कॉनियो में होती है। तो मीन्स के हर तरह का ये जो ये भी फंक्शंस हैं, लेकिन ये कौन से हैं, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये पहले से बने हुए, मतलब प्रिंट एफ है तो उसका खास आपको पता है कि किस लिए यूज होता है, स्क्रीन पर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, स्कैन एफ है तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए, गेट एस है तो आपने अगर स्ट्रिंग गेट करनी है यूजर से तो उसके लिए, पावर है तो पावर फंक्शन, कॉज है तो कॉज की वैल्यू आपने लेनी है, साइन है तो साइन की वैल्यू, लॉग है तो लॉगरिथम कैलकुलेट करना है, SQRT है तो उसके रूट आप लेना चाहते हो, क्लियर स्क्रीन है तो स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है उसको आप रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए जो है ये क्लियर स्क्रीन जो है वो यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के ये लिखा हुआ है और इसको हम ये क्लियर कर दिया तो इसको जो है वो क्लियर स्क्रीन कहते हैं। तो मीन्स के क्लियर स्क्रीन जो होगा वो क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर जो भी टेक्स्ट होगा उसको वो रिमूव कर देगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई आउटपुट आए हुए हैं तो आप चाहते हैं कि पहले वाले ना डिस्प्ले हो तो उसके लिए CLR SCR क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे वो फंक्शन हैं जो बिल्ट इन हैं, जो पहले से मौजूद है, इनको जस्ट कॉल करना है, लेकिन इनको कॉल करने से पहले इनकी हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। These function are defined by the developer of the language. इनको जो language का developer है उसको वो बनाता है। And built-in functions are also called intrinsic functions. Intrinsic function अगर short में कहीं आ जाता है कि बड़ा intrinsic function, तो built-in function are called intrinsic function. Simple as that. You might give the some kind of the examples over there. For example, the printf, scanf, getS, paw, cos, sin, sqr and sin and the clear screen, CLR, SCR, etc. ये आप example वगैरह वहाँ पे add कर सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रेंसिक फंक्शन। इनका एक नाम इंट्रेंसिक फंक्शन भी है, और क्या नाम है, स्टैंडर्ड फंक्शन, और क्या नाम है, लाइब्रेरी फंक्शन, और क्या नाम है, प्री डिफाइंड फंक्शन। इनको प्री डिफाइंड यानी पहले से डिफाइंड है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। जैसे आइडेंटिफायर्स पढ़े थे ना, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, तो असल में ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर ही तो है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर ही तो है ये वाले फंक्शन भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के अंदर आता है, जिसके अंदर ये प्रिंट एफ स्कैन ये सारे के सारे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं। तो इनको लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर इनके डेफिनेशन है, इस वजह से इनको लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। तो ये इनके और इंट्रिंसिक फंक्शन भी कहा जाता है इनको। अच्छा, उसके बाद आ जाइए यूजर डिफाइंड फंक्शन की तरफ, जो कि दूसरी टाइप है। फंक्शंस विच आर नॉट बिल्ट इन आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। सिंपल, जो बिल्ट इन नहीं है, ऐसा फंक्शन जो बिल्ट इन नहीं है, तो वो कौन सा है, वो यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैज लिमिटेड लाइफ। इनकी जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड से क्या मुराद है, इट मीन्स दैट दे आर यूज लोकली इन अ प्रोग्राम बट नॉट ग्लोबली इन एवरी प्रोग्राम। इससे क्या मुराद है, मतलब इनकी लाइफ लोकल होती है। मतलब बिल्ट इन फंक्शन जो होता है वो तो देखो ना, मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं भी बिल्ट इन फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, सिंपल उसका तरीकाकार के मुताबिक। आप भी कर सकते हैं, कोई दूसरा तीसरा आपका दोस्त है वो भी कर सकता है, जहाँ बैठा हुआ होगा और दुनिया किसी कोने में भी है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें उसके अंदर आपको जो भी है, सी लैंग्वेज का, सी प्लस प्लस लैंग्वेज के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर वो जो भी बिल्ट इन फंक्शन है उनको कॉल कर सकता है, जो उसका सिंटैक्स है उसके मुताबिक, और वो यूज़ करेगा। लेकिन एक प्रोग्राम मैंने बनाया और उसके अंदर एक मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया है, अब वो मेरे पास डिफाइंड है, आपके पास तो नहीं है। अब जिस नाम से मैंने उसको बनाया है, मैंने सपोज कर लो तुलसी के नाम से प्रोग्राम पे फंक्शन है, उसका नाम मैंने रख दिया तुलसी। अब ये क्या करती है कि जी दो वैल्यू लेती है, चलो जी ऐड कर देती है उनको। अब मैं जहाँ पर भी तुलसी को कॉल करूँगा, तुलसी क्या करेगी, ऐड कर देगी दोनों वैल्यूज को, रिजल्ट डिस्प्ले कराने में हेल्प करेगी यानी रिटर्न कर देगी उसको, जहाँ पर उसको कॉल किया जाएगा। अब यही तुलसी का फंक्शन किसी दूसरे के पास तो काम नहीं करेगा। हो सकता है उसने जो है वहां पे कोई और फंक्शन बना रखा है, जिसका उसने फंक्शन का नाम डिंग डोंग रख दिया है, फॉर एग्जांपल।
अब वो डिंग डोंग फंक्शन उसके पास काम कर रहा है, मेरे पास तो नहीं काम करेगा उसको। तो तीसरा जो है वो कोई बिस्किट का नाम रख लेता है, ठीक है, उसके अंदर वो कोई भी नाम रख लेता है। तो वो जिसने डिफाइन किया वो उसकी प्रोग्राम के अंदर है, वो उसने डिफाइन किया, उसके पास काम करना मीन्स उसकी लिमिटेड लाइफ है, उसकी लिमिटेड स्कोप है, उसने जहाँ पर डिफाइन हुआ है उसने वहाँ यूज़ होना, दूसरे के पास यूज़ नहीं होना। एक चीज़, और ना सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन बनाया तुलसी के नाम से, अगर मैंने एक प्रोग्राम में बनाया और अब मैं एक नया प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ उसके अंदर तो उसका पीस ऑफ कोड ही नहीं है, उसमें भी मैं उसको कॉल नहीं कर सकता हूँ। मतलब जिस प्रोग्राम में मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है वो उसमें ही यूज़ होगा, अनलेस के हम उसको कुछ परमानेंट कर दें। तो ये आपके पास है जी, इसकी लोकल स्कोप होती है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस के, कि फंक्शन आखिरकार हम करते हैं क्यों, इसका फ़ायदा क्या है। बहुत फ़ायदे हैं इसके फंक्शंस के। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा ये है और बाकी सारे फ़ायदे इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, फंक्शन हेल्प्स इन अवॉइडिंग द रिपीटिशन ऑफ द कोड। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको जो पीस ऑफ कोड बार बार लिखना पड़ता है, मतलब यहाँ पे सपोज कर लो कि एक आपको फंक्शन की ज़रूरत है जो कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, मीन कि वो कोई कैलकुलेशन करता है और लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, आपने सिंपल उसको पैरामीटर्स देने होते हैं उसके अंदर। सपोज कर लो कि पैरामीटर्स यानी वैल्यूज ले रहा है जी, दो वैल्यूज लेता है, हम दो वैल्यू एंटर करते हैं और जैसे हम उसको कॉल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बैकएंड पे वो काम कैसे कर रहा है, जैसे कैलकुलेटर बैकएंड पे कैसे काम करता है, हम तो वैल्यू देते हैं ना उसको और जैसे इक्वल टू या एंटर प्रेस करते हैं हमारा रिजल्ट आ जाता है, लेकिन असल में बैकएंड पे काम कैसे कर रहा है। तो इसी तरीके से ये है कि आप जब प्रोग्रामिंग के अंदर आपने एक पीस ऑफ कोड लिखा तो उस कोड के अंदर हो सकता है पता नहीं लंबा छोटा पता नहीं कितना प्रोग्राम लिखा हो गया। अब आपको उस फंक्शन को, जो फंक्शनलिटी वो परफॉर्म कर रहा है, जो भी कैलकुलेशन कर रहा है, वो आपको जो आप प्रोग्राम कर रहे हो उसके अंदर आपको सपोज कर लो 20 जगहों पर ज़रूरत है। अब उसको अगर आप फंक्शन ना बनाएं, फंक्शन अगर आप उसका ना बनाएं, तो फिर वो पीस ऑफ कोड आपको पहली बार यूज़ करना है तो पहली बार भी लिखा, जहाँ कुछ देर के बाद आपको फिर दूसरी जगह पर जरूरत पड़ी आपने फिर पूरा का पूरा पीस ऑफ कोड लिखा, फिर कुछ देर के बाद तीसरे का फिर पीस ऑफ कोड पूरा लिखा, तो इस तरह तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, आपकी इफेक्टिवनेस जाएगी, आपकी एफर्ट्स जो है वो ज़ाया होंगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अब इससे बचने के लिए कि ये जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं पीस ऑफ कोड, आप एक बार एक फंक्शन डिफाइन कर लो उसके अंदर, यानी एक बार एक कोड लिख लो और उसका जो भी फंक्शन का नाम है उसको फिर उस प्रोग्राम में जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पड़ती है सिंपल आप उसको कॉल करते जाओ, क्योंकि डिफाइन तो वो एक बार हो गया। अब प्रोग्रामिंग जो कंपाइलर उसको पता चल गया कि ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है और इसने ये काम करना है, वो क्या जहाँ आप कॉल करोगे वो उसका एरर नहीं देगा, पैरामीटर्स लेगा कोड के मुताबिक, कैलकुलेट करेगा, जो भी आपने फार्मूला बैकएंड पे लिखा हुआ है उसके मुताबिक वो रिजल्ट आपको देता चला जाएगा। तो मींस के सबसे बड़ा बेनिफिट फंक्शंस का ये है कि ये अवॉइड करता है रिपीटेशन ऑफ द कोड। अब जब ये अवॉइड करेगा तो बहुत सारे और फायदे निकलेंगे इससे। फंक्शन रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। इससे क्या होगा, जब आप ये अब देखो रिपीटनेस नहीं होगी तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, मीन्स के जो प्रोग्राम के अंदर बार बार इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखना था, यानी सपोज कर लो कि हम पेजेस की शक्ल में हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, जो उसका आईडी ही होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, चले हम कहते हैं जी एक पेज है। अब वो पीस ऑफ कोड जो आपने लिखा है वो तीन पेज पर आया फॉर एग्जाम्पल, और आपने 20 जगह इस्तेमाल किया तो उसका अंदर वो 60 पेज ले जाएगा, तो 60 पेज को आपने रीड करना पड़ रहा है, तो इट मीन्स कि इट वुड डेफिनेटली क्रिएट अ कॉम्प्लेक्सिटी इन द प्रोग्राम कि ये आखिरकार ये इतना लंबा चौड़ा कोड है क्या, बिकॉज नोबडी हैज सो मच टाइम कि वो उसको फोकस करके देखे कि यार क्या ये चल रहा है इसका। तो इस मीन्स कि वो क्या करेगा, प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्सिटी से बचाएगा, रिड्यूस करेगा कॉम्प्लेक्सिटी को अगर आप फंक्शन यूज करते हो तो। अच्छा और क्या फायदा होगा, और ये फायदा होगा कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एरर्स इन द प्रोग्राम। कि आपको एक पीस ऑफ कोड बार बार लिखना, आप एक आपके पैराग्राफ दिया जाए ना और आपको आ जाएगा, चलो 100 बार, जैसे पहले टीचर होते थे कि वो कह देते थे कि घर से तुमने 100 बार इसको लिख के लाना है, तो बेचारा जलील हो जाता था बच्चा कि यार मैं 100 बार इसको क्यों लिख के लाऊं, मैं तो एक बार जब नहीं लिख के लेके गया तो मैं 100 बार क्यों इसको लिखूं। तो अब एक ही पैराग्राफ को जिसके अंदर सपोज कर लो कि 50 लाइन है और आपको कहा जाए कि 100 बार लिखें, तो अब कंप्यूटर का जमाना है, अब तो खैर कहेगा कोई मसला नहीं, अगर तो कंप्यूटराइज करना है तो फिर तो कोई मसला नहीं जी, एक बार उसको लिख लें, कॉपी करें और 100 बार पेस्ट कर दें उसको, बल्कि 99 दफा पेस्ट करेंगे तो 100 बार खुद ही पूरा हो जाएगा। लेकिन हैंड रिटन अगर करना पड़े तो वो तो नहीं है ना, उसको तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मीन्स कि ये जो चीज़ें हैं क्या होगा, अब अगर आप उसको लिखोगे तो उसके अंदर चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा है, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर भटेगा,
जब ध्यान इधर उधर जाएगा तो आपके लॉजिकल एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो मीन्स के एरर्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब अगर आप प्रोग्राम उसके ये फंक्शन यूज़ कर लेंगे तो उससे एरर्स के होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एडिटिंग ऑफ प्रोग्राम इज ईजियर। अब चूंकि पीस ऑफ कोड एक आपने लिखा और बाकी जस्ट उसको आप जितनी बार भी चाहिए तो कॉल कर रहे हो, तो उसको एडिट करना आसान है, क्योंकि आपको पता है कि इसका अगर कोई एरर आ रहा है, ये काम नहीं कर रहा, तो आपको सिंपल उसके पीस ऑफ कोड जो कि एक बार ही लिखा है उसके पास जाना है, उसमें देख लेना है। अगर आपको हो सकता है कि कल को कोई चेंजेस करनी पड़े तो आप उस एक पीस ऑफ कोड में चेंज करोगे, सारों में चेंज करने की जरूरत नहीं आएगी, तो ईजियर है, आसान है इसको एडिटिंग। फंक्शन इंक्रीजेज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, कि इससे क्या होगा कि आसानी होगी कि जो बंदा एक प्रोग्राम देखना चाहता है, अगर उसके सामने एक शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट है और एक लंबा कॉन्टेक्स्ट है तो वो किसको प्रेफर करेगा। शॉर्ट में भी वही चीज़ है और लंबे में भी वही चीज़ है। अब इसका मतलब यह है कि वो शॉर्ट को प्रेफर करेगा कि यार मुझे इतनी चीज़ घुमा फिरा के एंड पे फिर वही जवाब मिल रहा है, उसके बेहतर नहीं है कि मैं उसको जो सीधा सा जवाब है, सीधा सा जवाब है शॉर्ट से कोड में वो देख लें। होता नहीं एक इधर उधर कहानी, इधर उधर कहानी, फिर उधर आती आ जाके बात वही करनी है, तो वो रीडेबिलिटी पे ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फंक्शन अगर होगा तो वो सिर्फ एक पीस ऑफ कोड यूज़ कर रहा होगा, तो उससे क्या होगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगी। और फंक्शन आल्सो रिड्यूसेज द कोडिंग टाइम, तो कोडिंग टाइम रिड्यूस कर देता है, यानी आपका वक्त कम लगेगा, क्योंकि आपको पीस ऑफ कोड एक बार लिखना पड़ा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो टाइम जब बचेगा तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, आपकी एफर्ट्स रिड्यूस होंगी। तो ये हैं सारे के सारे फायदे, और ये सिर्फ एक ही फायदे के गिर्द घूम रहे हैं, और वो ये है कि आपको कोड एक बार लिखना पड़ता है, बार बार नहीं लिखना पड़ता, बाकी सारे इसके गिर्द इर्द गिर्द के फायदे हैं। लेकिन ये था एक ओवरऑल टॉपिक जो कि 21-22 मिनट के ऊपर हमने इसको कंप्लीट किया। तो अगर आपको ये जो है वो समझ लगी है, आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें मल्टीमीडिया के इस वीडियो को दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।